हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एंगल्स के बारे में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एस टी टुगेदर फॉर्म एन एंगल। तो जो इसमें एस टी और एस आर है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक एंगल बनाते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट एस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो जो कॉमन पॉइंट है एस, वो हम लोग का क्या कहलाता है? वर्टेक्स। हम लोग का एस जो है वो कहलाता है। एस आर एंड एस टी आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल तो जो एस आर और एस टी है, वो हम लोग क्या कहेंगे उसे? आर्म्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे। द गिवन एंगल इज कॉल्ड आर एस टी एंड टी एस आर। तो ये जो एंगल है, हम लोग उसे क्या कहेंगे? आर एस टी कहेंगे या टी एस आर कहेंगे। द सिंबल ऑफ एंगल इज। तो अगर हम लोगों को एंगल को लिखना हो या समझना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे और समझेंगे? इससे समझेंगे। वी राइट एंगल आर एस टी और एंगल टी एस आर टू नेम द एंगल। तो अगर हम लोगों को किसी एंगल का नाम रखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल का सिंबल लगाएंगे और उसको आर एस टी लिखेंगे। द मिडल लेटर इज ऑलवेज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो जो एंगल का मिडल लेटर होता है आर एस टी या टी एस आर, तो इसमें जो मिडल लेटर है वो क्या है? एस है। तो एस हम लोग का, और जो मिडल लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? वर्टेक्स होता है। तो आज हम लोगों ने एंगल्स के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक।